प्रिया सिंह हैं, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर। इस क्षेत्र में पुरुषों के एकाधिकार को चुनौती देते हुए प्रिया ने यह खिताब हासिल किया और अपना मुकाम बनाया। प्रिया 3 बार बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में मिस राजस्थान रह चुकी हैं। उन्हें इस क्षेत्र में आने से पहले समाज और परिवार के उलाहने झेलने पड़े, लेकिन अब बॉडी बिल्डिंग उनका पैशन है। शुरुआत मैं पहले जिम इंस्ट्रक्टर थी, वहाँ मैं जॉब करती थी और मेरी बॉडी बिल्डिंग में 2018 से शुरुआत हुई है। मैं 3 टाइम मिस राजस्थान रह चुकी हूँ और मुझे टाइटल मिला राजस्थान फर्स्ट वुमन बॉडी बिल्डर का। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं समाज और सोसाइटी की सोच बदलने के लिए मैंने बॉडी बिल्डिंग के लिए कदम रखा है, और कुछ ऐसी मजबूरियाँ भी थी जिसकी वजह से मैं बॉडी बिल्डिंग में आई हूँ। और कोई ऐसा गेम नहीं है जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती। आजकल के ज़माने में लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। सोसाइटी और समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए, बेटे बेटियों में फर्क नहीं करना चाहिए। समाज को समानता की नसीहत देती इस बॉडी बिल्डर का अब आपको दूसरा रूप दिखाते हैं। श्वानों के झुंड के बीच ये प्रिया सिंह ही हैं। दिन में जिम में पसीना बहाकर प्रिया गली के आवारा श्वानों की सुध लेती हैं। करीब 100 श्वान के भोजन का प्रबंध करती हैं। साथ ही घायल श्वानों को उपचार और देखभाल मुहैया कराती हैं। स्ट्रीट डॉग्स के लिए उनके समर्पण का इनाम है इन बेजुबानों का ये प्यार। लॉकडाउन की वजह से जब पूरा भारत बंद हो गया तो बेचारे ये जानवर कहाँ जाएंगे, तो इस टाइम में मैंने अपनी पूरी सैलरी इन डॉग्स पे लगा दी है। डॉग्स ही नहीं, मैंने और भी बहुत कुछ काम किए हैं। सोशल एक्टिवेस्ट होने के नाते नाते मैंने गरीब बच्चों को भी ज़रूरत की चीज़ें दी है और फैमिली को राशन भी दिया है, और मेरे पास 150-200 के राउंड डॉग्स है अभी। और अभी मैं नाइट में रेस्क्यू करती हूँ मेरी टीम के साथ में, मेरी टीम मेंबर है और मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो 10-12 साल से इस फील्ड में हैं, और मैं रात को डॉग को रेस्क्यू करके उनका ट्रीटमेंट करती हूँ और ज़्यादा क्रिटिकल होने पे मैं उनको सेंटर भिजवाती हूँ। मेरा आगे यही ड्रीम है कि मैं इस बेजुबानों के लिए कुछ कर पाऊँ। वाकई प्रिया सिंह एक तरफ शक्ति का प्रतीक है तो दूसरी तरफ ममता की प्रतिमूर्ति। उनकी बॉडी बिल्डिंग को देखकर एक तरफ लोग उनकी तारीफें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके असली प्रशंसक हर शाम किसी गली में उनकी राह देखते हैं। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से जसवंत सिंह की रिपोर्ट।